दोस्तों रिसेंटली इंडिया ने 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजी है एक सिंगल रॉकेट के थ्रू। इसमें बहुत ही कम कॉस्ट आई है तो ये हमारे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हो सकता है इस पे एसए आ जाए एग्जाम में, पर एसए एग्जाम में किसी इवेंट पे नहीं आता, वो पूरे सिनेरियो को कवर करते हैं। तो वो पूछ सकते हैं आपसे इंडिया स्पेस प्रोग्राम पे एक एसए आ सकता है। तो चलिए कैसे डिस्कस करते हैं इंडिया स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अब जब इंडिया स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे तो हमें शुरू से देखना पड़ेगा, इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। ये हमारा पूरा यहाँ तक इंट्रोडक्शन है। तो इंडिया स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1962, स्टार्ट हुआ 1962 में, ठीक है। फिर इसरो बना, इसरो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1969 पर। तो जब भी कोई चीज, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बनता है या कोई प्रोग्राम आता है तो उसका कोई ना कोई एक पर्पज होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो पर्पज क्या था इसरो का? पर्पज था रैपिड डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन बता दिया हमने, थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी क्योंकि पूरा हमें स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बात करनी है। तो ये पूरी आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पहला पैरा हो जाएगा, थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे, बैकग्राउंड पे चलेंगे। तो फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट इंडिया ने भेजा था आर्यभट्टा के नाम से 1975 में, ठीक है। ये पहला बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद 3 साल पहले एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ जब हमने इंटरप्लेनेटरी मिशन पे एक इंटरप्लेनेटरी स्पेस एक्सप्लोरेशन किया हमने, मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम के नाम से, जिसको हम मंगलयान के नाम से भी जानते हैं, फेमसली कॉल्ड मंगलयान। तो आप लिख सकते हैं सिंस द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट आर्यभट्टा इन 1975 इंडिया हैज मूव्ड अ लॉन्ग वे इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। इन नवंबर 2014 इंडिया लॉन्च्ड इट्स इंटरप्लेनेटरी मिशन। कौन सा मिशन? इंटरप्लेनेटरी। जब आप दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं तो उसको हम इंटरप्लेनेटरी मिशन, ठीक है। इंडिया लॉन्च्ड इट्स इंटरप्लेनेटरी मिशन। क्या किया इंडिया ने? लॉन्च किया। कौन सा मिशन? इंटरप्लेनेटरी मिशन, ठीक है, फेमसली कॉल्ड मंगलयान, ठीक। अब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू डू सो, पहली एशियन कंट्री हो गई इंडिया जिसने ये काम किया, एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके पहले कोई भी कंट्री अपने पहले अटेम्प्ट में सफलता नहीं पाई थी, इंडिया पहली कंट्री बन गई वर्ल्ड में टू डू इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। द टोटल प्रोग्राम कॉस्ट 450 करोड़, ठीक, एंड इट वॉज द लीस्ट एक्सपेंसिव मिशन। तो इतना लिखेंगे आप, आपने पूरा बैकग्राउंड दे दिया, पहला आर्यभट्टा की बात कर ली आपने, जो पहला स्पेस क्राफ्ट था इंडिया ने भेजा था, फिर एक बहुत बड़े मिशन की बात की आपने, मॉम की, मंगलयान की, और उसके बारे में आपने डिटेल बताई, आपने हिस्ट्री मतलब बता दी अब तक। अब अगला जो पैराग्राफ होगा, सेकंड पैराग्राफ या थर्ड कह सकते हैं, अगर इसको फर्स्ट कहें तो ये सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड पैराग्राफ में दोस्तों, अभी जो हमने 104 सैटेलाइट्स भेजे थे उसकी बात कर लेते हैं थर्ड पैराग्राफ में। तो आप लिख देंगे, ये डेट तो एटलीस्ट आपको याद होनी ही चाहिए, चाहे ऊपर की कोई भी डेट याद हो चाहे ना हो। On 15 February 2017, India launched 104 satellites in a single rocket. ठीक? Of these satellites, 3 satellites were Indian and 101 or satellites were of foreign customers. 3 Indian satellites थी, 101 satellites international customers की satellite हमने send की है space में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और detail दे सकते हैं Indian satellite के बारे में, ये detail है Indian satellite की। One was Earth mapping satellite and 2 nano satellites. ठीक। So now India has emerged as a leader in low cost launches. Low cost satellite launches. India is now leader in this field. ठीक है। अब ये जो पहले में हमने introduction दे दिया था, कब start हुआ program, दूसरे में हमने बता दिया, थोड़ी सी history दे दी, तीसरे में अभी जो current एक बहुत बड़ा launch किया India ने उसके बारे में बता दिया। अब चौथे paragraph में हम benefits की बात कर लेते हैं कि स्पेस प्रोग्राम्स का बेनिफिट क्या होता है। द बेनिफिट ऑफ स्पेस प्रोग्राम्स आर इमेंस। सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, ड्रॉट मैनेजमेंट, डिफेंस पर्पस, टेलीमेडिसिन एंड फाइटिंग नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर्स। तो कम्युनिकेशन आप जो देखते हैं आज, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो पूरा सैटेलाइट के ही थ्रू गवर्न होती है। वेदर फोरकास्टिंग जो गांव में बताते हैं, मतलब कि कब वर्षा होगी, उस हिसाब से
जो किसान हैं वो अपनी फसल को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, तो इसमें भी सैटेलाइट्स हमें मदद करती है। और जब वेदर फोरकास्टिंग हो सकता है तो हम प्रॉपर ड्रॉट मैनेजमेंट कर सकते हैं। डिफेंस के लिए यूज़ होती है, कारगिल में इसका एक बहुत बड़ी भूमिका थी। जो कारगिल वॉर इंडिया ने जीता उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका था सैटेलाइट्स का। टेलीमेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता है ये। और फाइटिंग नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो जो साइक्लोन्स आते हैं उनको पहले ही हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि अभी वो कहाँ है, उनकी स्पीड क्या है, और ये सारी चीज़ें सैटेलाइट से गवर्न होती हैं। ठीक है, मैन मेड डिजास्टर्स में भी इनकी हेल्प ली जाती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप ऐड कर सकते हैं कि सम पीपल आर्ग्यू दैट इट इज अ कॉस्टली अफेयर। दिस स्पेस एक्सप्लोरेशन इज अ कॉस्टली अफेयर। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या है? कॉस्टली अफेयर है, कुछ लोग कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं सम पीपल आर्ग्यू दैट स्पेस एक्सप्लोरेशन इज अ कॉस्टली अफेयर बट इट्स बेनिफिट आउटवेज इट्स। तो दोस्तों कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि इंडियन स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज गॉन अ लॉन्ग वे सिंस इट्स इंसेप्शन। दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर सम आइसोलेटेड पर्पज बट इट इज यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल। द एफर्ट ऑफ आवर साइंटिस्ट हैज मेड अस लीडर इन द इन लो कॉस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इट हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ फेम टू टू द कंट्री। ठीक, तो ऐसे आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो मैं क्लाइमेट चेंज पे बनाऊंगा, एक बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है, इसके भी एग्जाम में आने की काफी संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।